ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। मैथमेटिकली कहा जाए तो कोई भी चीज एक ब्लैक होल बन सकता है। जी हाँ, आप, हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, कोई भी ब्लैक होल बन सकता है। अगर हम किसी भी चीज को बहुत ही छोटे आकार में कॉम्प्रेस कर दें तो वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम हमारी पृथ्वी को एक कंचे के आकार जितना कॉम्प्रेस कर दें तो ये एक ब्लैक होल बन जाएगा। पर ऐसा कैसे? दरअसल हम हमारे आसपास जितने भी चीज़ों को देखते हैं वो सारे एटम्स से बने हैं। जब हम क्वांटम लेवल पर देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि इन एटम्स के बीच में काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को इतना कॉम्प्रेस कर दें कि इसकी सारी एम्प्टी स्पेस खत्म हो जाए तो वह चीज़ बेहद डेंस हो जाएगी और वह एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। ऑब्जेक्ट के इस स्टेट के रेडियस को स्वाद चाइल्ड रेडियस कहा जाता है। ऑब्जेक्ट की यह स्टेट इतनी डेंस होगी कि इसका ग्रेविटेशनल पुल बेहद अधिक हो जाएगा और यह पुल इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी इससे बच नहीं पाएगा, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। तो अब तक हमने जाना कि ब्लैक होल क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं कि इनकी रचना कैसे होती है और क्या होगा अगर हम एक ब्लैक होल में गिर जाए तो। सो दोस्तों, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष टीवी। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तारे, जो हाइड्रोजन एटम्स का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाइड्रोजन गैस क्लाउड से बनते हैं। इन तारों के कोर में ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हीलियम्स के एटम्स का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में बेहद अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। ये ऊर्जा रेडिएशन के रूप में बाहर आती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक तारे में मुख्यतः दो प्रकार के फोर्स काम करती है। पहला उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि तारे में अंदर की तरफ बेहद अधिक दबाव डालती है, और दूसरा उसके रेडिएशन का फोर्स, जो कि तारे में बाहर की ओर फोर्स लगाती है। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और तारे का बैलेंस बना रहता है। जब तक तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया चलती रहती है तारे का बैलेंस बना रहता है। लेकिन बहुत बड़े आकार के तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान कुछ हैवियर एलिमेंट्स का भी निर्माण होता है। दरअसल बड़े तारों में सबसे पहले हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, फिर हीलियम के एटम्स कार्बन में बदलते हैं, उसके बाद कार्बन का फ्यूजन नियॉन में होता है, नियॉन का ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का सिलिकॉन में, और उसके बाद सिलिकॉन का फ्यूजन आयरन में होता है। इस प्रोसेस में सारे एलिमेंट्स फ्यूजन के वक्त डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन जब सिलिकॉन का फ्यूजन आयरन में होता है तब इसके आगे आयरन के फ्यूजन की प्रक्रिया जारी नहीं रह पाती है। इस कारण अब तारे में एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। इससे तारे के कोर में आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और तारे के ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उस तारे का रेडिएशन उसे संभाल नहीं पाता है और तारे का कोर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। केवल सेकंड के कुछ हिस्से में उस तारे में इम्प्लोड होता है। इसके ग्रेविटी का खिंचाव लाइट के स्पीड की चौथाई जितना बढ़ जाता है और ग्रेविटी तारे के केंद्र में अधिक मास को कंसंट्रेट करता जाता है। इस प्रक्रिया में उस तारे के केंद्र में ब्रह्मांड के सारे हेवियर एलिमेंट्स की रचना होती है और फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस विस्फोट के बाद या तो एक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है या फिर तारा बहुत बड़ा था तो तारे के कोर का सारा द्रव्यमान एक ब्लैक होल में केंद्रित हो जाता है और एक ब्लैक होल का जन्म होता है। जब आप किसी ब्लैक होल को देखते हो तो आप असल में ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन को देख रहे होते हो। किसी भी चीज़ को इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए लाइट के स्पीड से भी अधिक तेजी से ट्रैवल करना होगा, जो कि वास्तव में पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ तक कि लाइट भी इससे बाहर नहीं आ सकती, इसलिए हम केवल एक काले रंग के गोले को देखते हैं जो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पर जब इवेंट होराइजन केवल वह काला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं तो आखिर वास्तव में ब्लैक होल का पूरा भाग कौन सा है? वह है सिंगुलैरिटी। वास्तव में हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं,
हम नहीं जानते हैं कि यह कैसा दिखता है या कैसा होता है। हो सकता है कि सिंगुलैरिटी इनफाइनाइटली डेंस हो, यानी इसका सारा मास एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड हो जिसका कोई सरफेस या वॉल्यूम ना हो, या फिर यह हमारी सोच से परे भी हो सकता है। फिलहाल तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बाय द वे, ब्लैक होल यूनिवर्स में एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम नहीं करता है, यानी कि यह वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर नहीं खींचता है। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल में बदल जाएगा तो इससे हमारे सोलर सिस्टम पर ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। सारे प्लैनेट्स अपने अपने कक्षा में ही घूर्णन कर रहे होंगे, लेकिन हमारी धरती पूरी तरह से बर्फ में जम जाएगी। तो ब्लैक होल हमें अपने अंदर तब तक नहीं खींचेगी जब तक हम उसके बेहद करीब नहीं जाएंगे। मगर आइए कल्पना करते हैं कि हम एक ब्लैक होल के अंदर कूद जाते हैं, तो इस स्थिति में हमारे साथ क्या होगा और इसके अंदर का सफ़र हमारे लिए कैसा होगा, आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल फैब्रिक में एक बहुत गहरा कर्व यानी खड्डा बनाता है। ब्लैक होल का मास जितना अधिक होगा यह कर्वेचर उतना ही गहरा होगा, यानी कि अगर हम किसी जायंट मैसिव ब्लैक होल में कूदे तो हमारे पास सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में अधिक समय होगा। अब जब हम ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो ये सब हमारे लिए एक इंस्टेंट में होगा, लेकिन अगर कोई हमें ब्लैक होल के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो वह हमें ब्लैक होल में बहुत धीरे धीरे गिरता हुआ देखेगा। और जब हम इवेंट होराइजन के करीब पहुंच जाएंगे तो हमसे आती हुई लाइट उसे धीरे धीरे लाल होती हुई दिखेगी और फिर पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर देती है, और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम को बेहद अधिक बेंड कर देती है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी जब हम ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो हमारे लिए समय बेहद धीमा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि हमारे नज़रिए से हमारा सफ़र कैसा होगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि ब्लैक होल के द्वारा लाइट का डिस्टॉर्शन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम इसके करीब पहुंचेंगे, हमारा ज़्यादातर फील्ड ऑफ व्यू अंधकार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हमारी आधी फील्ड ऑफ व्यू में अंधेरा छा जाएगा, और तब हम ऐसे जगह में होंगे जिसे कहते हैं द फोटोन स्फीयर। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकाश ना तो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है और ना ही बाहर। दरअसल यहां पर प्रकाश ब्लैक होल का चक्कर काट रहा होता है। अगर हम इस पॉइंट पर रुककर हमारे बगल में देखेंगे तो हमें हमारे सिर के पीछे का हिस्सा दिखेगा, क्योंकि यहां पर हमारे सिर के पीछे के भाग से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट पूरे ब्लैक होल का चक्कर काट कर हमारे सामने की तरफ आ जाएगी। अब इससे आगे जाने पर हमारे सामने की तरफ पूरा अंधेरा छा जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ देखने पर हमें यूनिवर्स से आती हुई लाइट्स स्लोली एक सर्कल में बदलती हुई दिखेंगी। अब हम जैसे जैसे सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे हमारी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब एक छोटे से डिस्टेंस में ग्रेविटी के खिंचाव में बेहद अधिक अंतर हो जाएगा। यानी इस वक्त हमारे शरीर का वह भाग जो सिंगुलैरिटी के करीब होगा उसमें ग्रेविटी का खिंचाव उस भाग से जो सिंगुलैरिटी से दूर है बेहद अधिक होगी। यानी हमारे पैरों पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सिर पर पड़ने वाले बल से इतना अधिक होगा कि हमारा शरीर बेहद अधिक स्ट्रेच हो जाएगा और हमारा शरीर खींचकर एक स्पैगेटी के समान हो जाएगा। साइंटिस्ट इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। अब इसके आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि इसके आगे आपके शरीर का एक एक एटम्स खींचकर अलग हो जाए ग्रेविटी की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके बाद व्हाइट होल्स के द्वारा किसी अन्य ब्रह्मांड में निकाल दिए जाओ जहां भौतिकी के नियम हमारे नियमों से अलग हो। क्योंकि जब ब्लैक होल अस्तित्व में हो सकते हैं तब व्हाइट होल्स भी जरूर होंगे, और ये आइंस्टाइन के द्वारा मैथमेटिकली प्रूवन भी है। मगर आपको ब्लैक होल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे नज़दीकी ब्लैक होल भी हमसे कई हजार प्रकाश वर्ष दूर है और हमें इनसे कोई हानि नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो Q&A वीडियो होगी, तो अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो,
आज हम एम करते हैं 300 लाइक्स के। जानता हूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइक कर दो यार। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करो और चैनल के सारे वीडियोस को जरूर देखो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।